फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है टेक विद सूर्या। तो बेसिकली यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारे पास काफ़ी खास टॉपिक रहने वाला है वीवो के यूनिट्स के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट से करो इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह का कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पर देख रहा है तो हमारे पास एक गुड न्यूज़ रहने वाली है वीवो के जो एक्स सीरीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर वीवो इंडिया ने यहाँ पर इसको ऑफिशियली कन्फर्म करते हुए बताया है कि हमारे पास जो वीवो का जो एक्स सीरीज़ है उसके अंदर हमें 3 साल तक में इसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन के हम अपग्रेड देखने को मिलेंगे। और उसको कन्फर्म करते हुए हमारे पास एक यूट्यूबर हैं ज्ञान थेरेपी और उत्सव टैकी, उनका भी यहाँ पर एक तरीके से रिप्लाई आया हुआ है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो अभी तक नहीं किया हुआ है तो फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाए। तो फटाफट से बात कर लेते हैं, हमें ज्ञान थेरेपी और उत्सव टैकी ने यहाँ पर क्या यहाँ पर एक तरीके से ट्वीट करके बताया है लोगों को। तो यहाँ पर एक रहा है ट्वीट जिसमें यहाँ पर राकेश हैं जो कि ज्ञान थेरेपी उनका एक यूट्यूब चैनल है जिन पे अप्रॉक्स यहाँ पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, जिनके यहाँ पर एक तरीके से लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से बताया है ट्वीट करते हुए कि उन्होंने बताया है कि हमारे पास जो फंटास OS है UI है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट किया है। जैसे फंटास OS हमें जो कि देखने को मिल जाती है वो कि तरीके से आईफोन की कॉपी थी पिछली बार हमें देखने को मिला था, जैसे कि हमारे पास जो फंटास OS 3 हो गया, फंटास OS 4.5 हो गया, जो कि एक तरीके से हमें कॉपी देखने को मिल जाती थी जो कि हमें iOS की तरह हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन जो फंटास OS 11 है उसमें उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है, और जो फंटास OS 10 के बाद जो फंटास OS 11 को एक तरीके से उन्होंने रिलीज़ किया हुआ है जिसमें यहाँ पर काफ़ी मेजर चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। और क्या क्या इसके अंदर मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे उनके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, अगर आपने उसको वीडियो अभी तक नहीं देखा हुआ है तो आई बटन आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो अब इसमें बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो राकेश हैं जो कि ज्ञान थेरेपी उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बताया है कि हमारे पास जो फंटास OS है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है अपने OS में। और जो उत्सव टैकी हैं उनका यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने एक ट्वीट को उठाया हुआ था, तो यहाँ पर उत्सव टैकी हैं उन्होंने यहाँ पर 10 मई को यहाँ पर एक ट्वीट किया हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने यहाँ पर जो वीवो की जो एक्स सीरीज़ रहने वाली है उसके अंदर हमें 3 साल तक हमें एंड्रॉयड वर्जन के हमें अपग्रेड देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी दिख रहा है तो हमें रिसेंटली हमें डिवाइस देखने को मिल जाता है जो कि वीवो एक्स सीरीज़ के हमें लेटेस्ट डिवाइस देखने को मिल जाते हैं, जो कि डिवाइस हैं वीवो X60 और X60 Pro, जो कि एक तरीके से काफ़ी अच्छे डिवाइस हैं और काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ साथ देखने को मिल जाते हैं, जो कि एंड्रॉयड 11 विद फंटास OS 11 पर बेस्ड रहने वाले हैं, उन डिवाइस देखने को मिल जाएंगे। हमारे पास 1 साल के बाद हमें 2 महीने के अंदर देखने को मिलेंगे, और जैसे ही हमारे पास जो 3 से 4 साल हो जाएंगे और 5वीं साल तक हमें एक तरीके से 4 से 5 महीने का हमें गैप देखने को मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एक डिवाइस है जो कि 5 साल तक हमें वीवो इंडिया उस पर फोकस करेगी और उसमें यहाँ पर एक तरीके से कुछ कस्टमाइजेशन भी करेगी, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है वीवो के लिए। और वीवो ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट किया है और काफ़ी लोगों का फेवरेट भी बन गया है फंटास OS 11, क्योंकि जो फंटास OS 11 है वो एक तरीके से हमें स्टॉक एंड्रॉयड की हमें देखने को मिल जाता है, एक तरीके से हमें क्लीन UI इसके अंदर देखने को मिलता है, ना इसके अंदर हमें कोई ऐड देखने को मिलेंगे ना इसके अंदर हमें कुछ और चीज़ें देखने को मिलेंगी, पूरी तरीके से हमें एक प्योर UI देखने को मिल जाएगा। तो देख रहा है तो हमारे पास यही थी हमारे पास ये छोटी सी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या देना चाहते हैं कोई सुझाव तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।